दोस्तों पेन्ना जैसी बेहतरीन फिल्म के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुके कलाकार यानी कि पंजा वैष्णो तेज इन दिनों अपनी आने वाली एक और नई फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आ गए हैं, जिसका एक नया पोस्टर जारी करके इस बात की जानकारी आज हम लोगों को दे दी गई कि भैया ये फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमाघर में। तो भैया कैसा है पंजा वैष्णो तेज की आने वाली इस नए फिल्म का ये नया पोस्टर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए देख रहा हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया पंजा वैष्णो तेज की आने वाली एक और फिल्म यानी कि कोंडा पोलम से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने कोंडा पोलम के इस नए पोस्टर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं भैया इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस जगरलमुड्डी ने, जो कि भैया इन दिनों अपनी आने वाली एक और फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जिसमें नजर आने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी कि पवन कल्याण, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ हरिहरा वीरा मुल्लू की। तो दोस्तों हरिहरा वीरा मुल्लू को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई यह फिल्म 2022 में सिनेमाघर का रास्ता तय करेगी, लेकिन भैया वहीं पर कोंडा पोलम को लेकर यह जानकारी आज इस फिल्म के इस नए पोस्टर के माध्यम से हम लोगों को दी जा चुकी है कि भैया ये फिल्म इसी साल 8 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी। और भाई इस फिल्म का ये पोस्टर भी बहुत ही दमदार है, यानी कि इस पोस्टर को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों को गारंटी से कहूंगा कि भैया इस फिल्म में भी हमें एक जमीन से जुड़ी हुई कहानी देखने को मिलेगी, यानी कि भैया इस फिल्म में हमें इंडिया का कल्चर भी देखने को मिलेगा और एक ज्वलंत मुद्दे को रखा जाएगा इस फिल्म यानी कि कोंडा पोलम के माध्यम से। यानी कि इस पोस्टर में आप देख सकते हो कि पंजा वैष्णो तेज एक गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं और उनके सर के ऊपर में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बकरियां और भेड़ बकरियां चराते नजर आ रहे हैं और नीचे में हरी हरी वादियां हम लोगों को नजर आ रही है। यानी कि भैया ये पोस्टर बहुत ही दमदार है और इस पोस्टर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री एक और बेहतरीन जमीन से जुड़ी हुई यानी कि ग्राउंड रूट की स्टोरी हम लोगों के सामने लाने वाली है कोंडा पोलम के माध्यम से। तो दोस्तों कोंडा पोलम को लेकर ये सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन एक दुखद जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। तो भैया वो जानकारी ये है कि भाई ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज नहीं होने वाली है, यानी कि भैया ये फिल्म केवल तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी आज इस फिल्म के इस नए पोस्टर को जारी करते हुए सार्वजनिक की जा चुकी है, यानी कि ये दुखद खबर हम जैसे लोगों को है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए ना है मेरे भाई, कि ये फिल्म हम लोग हिंदी में नहीं देख पाएंगे। जब ये फिल्म डबिंग वर्जन में आएगी उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन तेलुगु में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो भैया उस वक्त मैं इस फिल्म को देखूंगा भी और उसका रिव्यू भी मैं इस फिल्म के लिए जरूर करूंगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।